अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां चौकीताल स्थित मार्बल फैक्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया जब गोडाउन में एक नहीं चार रसल वाइपर नजर आए। स्टाफ ने इसकी सूचना मार्बल फैक्ट्री के मालिक सुरेंद्र सोनी को दी, जिसके बाद उन्होंने सर्प विशेषक गजेंद्र दुबे को मौके पर बुलाया। सर्प विशेषक गजेंद्र दुबे ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें पकड़ा और जंगल में छोड़ा। गजेंद्र दुबे ने बताया कि पकड़े गए रसल वाइपर में 2 नर और 2 मादा हैं। ठंड के दिनों में ये धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो रसल वाइपर हमेशा अकेले घूमते हैं, जब इन्हें बच्चों को जन्म देना होता है उस दौरान नर रसल वाइपर भी साथ रहता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे सांप होते हैं जो कि अंडे नहीं देकर बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें से रसल वाइपर भी एक है। मादा रसल वाइपर एक बार में 50 से 60 बच्चों को जन्म देती है और जन्म के समय वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। इतना ही नहीं, जब तक मादा रसल वाइपर बच्चों को जन्म नहीं दे देती तब तक वह भूखी ही रहती है। दुबे का कहना है कि रसल वाइपर भारत में किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे जहरीला सांप है। गजेंद्र दुबे ने बताया कि रसल वाइपर सांप बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होता है। इसके भीतर हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। इसके काटने पर मांसपेशियों को बहुत नुकसान होता है। रसल वाइपर के काटने पर यदि 2 घंटे के भीतर इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। इसके काटने पर व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां फटने लगती हैं, चमड़ी गलने लगती है, मसूड़े आँख कान से खून आने लगते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में रसल वाइपर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। रसल वाइपर प्रजाति के नर और मादा का जोड़ा, 2 जोड़ी सर्प थे, 2 नर 2 मादा ये बैठे हुए थे। ये सर्प इस मौसम में प्रजनन करते हैं। संभवतः पीछे खेत लगा हुआ है और इनके बच्चे वहां होंगे।